हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमई टेक्नोलॉजीज़। माय नेम इज़ मुनीश शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इस एलईडी को किस तरह इस नींबू से चला सकते हैं। नींबू एक नॉर्मल आपको घर पे भी मिल जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह हैं, सब कुछ मैटर का बना, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएंगे जिसकी हेल्प से हमारी ये एलईडी जो है वो ग्लो करेगी। तो इसमें हमने कुछ जिंक की प्लेट्स लगाई हैं, तो इन जिंक की प्लेट्स जो है वो आयरन की एक कील से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक रोटेट करेगी, एक सर्किट बनेगा इसके अंदर जिसकी हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हम उससे एक एलईडी भी चला सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इसके, वो जो है इनकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हम जिंक प्लेट्स लगा रहे हैं और कहाँ पर हमने आयरन की एक कील लगाई है। तो इस तरह से हम ये एलईडी जो है वो हम इसमें लगाएंगे, तो उसकी हेल्प से हम इस एलईडी को ग्लो करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह होते ही हैं, तो उनके फ्लो की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी चीज़ से ले सकते हैं हम। जस्ट हमें क्या करवाना है, नींबू के सिट्रिक एक इसके अंदर एक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो उसकी हेल्प से हम इसे चलाएंगे। चलिए देखते हैं एलईडी, देखते हैं हमारी ग्लो करती है या नहीं। तो टर्मिनल्स चेंज करके आप देख सकते हैं अगर नहीं ग्लो करती तो अभी आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि एलईडी जो है वो हमारी ग्लो होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप एलईडी इसके साथ, अगर आपको और ब्राइट चलानी है तो और भी बहुत सारे नींबू आप इसके साथ लगा के अपनी एलईडी को ग्लो करवा के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे मेरा हाथ लग रहा है तो ये एलईडी ब्लिंक हो रही है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो इतनी फास्ट नहीं है, बिकॉज हमने जो जिंक प्लेट्स यूज़ किए हैं वो नॉर्मल हमने एक सेल के आउटर कवरिंग से लिया है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की जिंक नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप ये इस पे घर पे बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।